वेलकम टू बैक बैक द वेलकम चैलेंज आइकन के एक नई चैलेंज भरा वीडियो में भारत भ्रमण के 451 दिवस पे आज आपका भाई पहुंचा है तमिलनाडु सॉरी तेलंगाना में हूं अभी और मैं यहां से जा रहा हूं नागपुर। तो गाइस आइए आज की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सुबह के 8 बज चुका है और यहां मेरी चक्का साइकिल का जो है बैंड हो चुका है। आज किसी ना किसी तरीके से इसको सीधा करना पड़ेगा, बैंड हो गया है, सही से घूम नहीं रहा है। 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पे मैं इसे सीधा करवा सकता हूं, तो अभी वहीं जाने का प्लान है। नाश्ता नहीं किया है लेकिन इसी पेट्रोल पंप में अभी मैं फ्रेश होके ब्रश वगैरह कर लिया। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरी इस ब्लॉग को, मैं उनको बता दूं मेरी इस भारत भ्रमण को 451 दिन हो चुका है और मैं 17,800 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। अभी तेलंगाना में हूँ और मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र का नागपुर, जिसका दूरी यहाँ से है 330 या 340 किलोमीटर। तो चलते हैं तेलंगाना के खेत खलियान वाले रास्ते से होते हुए। चक्का बैंड हो गया है जिस वजह से किस तरह टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, उसको सबसे पहले सीधा करवाना है। उसके बाद ऐसे तो बैठ के नहीं जा सकता, पैदल जाना चाहिए, लेकिन भूख लग रहा है। सुबह के 8:30 बज चुका है, नाश्ता नहीं किया इसलिए मैं चला के जा रहा हूँ। ये मेन रोड है, मेन रोड से लगभग मुझे जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर, तब जाके वहाँ एक साइकिल गैरेज दिखा रहा है। मैंने सर्च करके देखा था गूगल पे। अब चलते हैं इस सिटी में। अरे भाई भाई भाई, नो नो नो, अरे यार बैंड हो गया है पूरा। तेलंगाना के जिस गांव में अभी पहुंचा हूं उस गांव का नाम है अरमोर। अजब अजब नाम है इधर भाई, वो तो काफी स्टैंडर्ड दिख रहा है यार, बिल्डिंग से गांव है या क्या है, शहर है। देखो इसे गांव कह सकते हो, शहर जैसा लग रहा है बिल्डिंग्स देख के। मुश्किल से ये गैरेज मिला जहाँ पे मैं अपना साइकिल रिपेयर करवाने के लिए दे दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए क्योंकि भूख लग रहा है। सुबह के 9 बज चुका है, मैं कुछ नहीं खाया था। अच्छे से यहाँ पे है, कुछ कुछ तो मिलेगा, डोसा इडली वड़ा वगैरह देखते हैं क्या मिलता है। साइकिल रेडी तैयार हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ आगे की ओर। और यहाँ से नागपुर का दूरी 320 किलोमीटर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने साइकिल ठीक किया उन्होंने पैसे नहीं लिए, बहुत अच्छा लगा उनसे। नागपुर और 320 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे बहुत ही जल्द। अरे बाबा, मैं तो गांव समझ रहा था, ये तो छोटा सा शहर है। NH 44 पे पहुंचा हूं। ये रहा NH 44 पे एक राजस्थानी ढाबा मिला है जहां पे मुझे नहाने के लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ मिला है। 2 दिन से नहीं नहाया, सर्दी हुआ था हल्का सा, तो अभी नाउ द टाइम, नहाने का टाइम। वाह, जल ही जीवन है भाई, मस्त। नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, अब आगे चलते हैं। खाना तो नहीं खाया मैंने क्योंकि ये राजस्थानी ढाबा है और मुझे राइस खाना है, तो आगे देखते हैं कहीं मिलेगा तो खाएंगे वरना रोटी खा लेंगे। मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहाने के बाद फ्रेश लग रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है। मस्त रोड मिला है, मस्त मस्त लोग भी मिल रहे हैं और इसी नज़ारे का और रोड का एंजॉय करते हुए मैं जा रहा हूँ आगे नागपुर के। क्या मैंने गलती कर दिया साथियों, खाना इधर नहीं मिल रहा है, वहाँ खा के चले आना था, राजस्थानी ढाबा था, गलती कर दी शायद, लेकिन देखते हैं कोशिश करते हैं। नागपुर की दूरी और है 308 किलोमीटर। अरे बाबा, अरे बाबा, आसमान से गिरा खजूर में अटका जो बोलते हैं ना, नहीं मिल रहा है, बाकी राजस्थानी ढाबा ही मिल रहा है, तो आज यही खाना पड़ेगा शायद। हाईवे है, हाईवे से थोड़ी दूर आके खेत में मैंने सुखाया आज अपना कपड़ा, उधर भी सुखाया है और इसी पेड़ के नीचे काफ़ी देर से रुका हूँ मैं, वीडियो बनाना भूल गया था, अभी बना रहा हूँ काफ़ी देर बाद। आराम करते करते 4 बज चुका है, अब चलते हैं आगे अपने जर्नी को कंटिन्यू करते करते जोश और जुनून के साथ। कि इन पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहां से नागपुर का दूरी ज़्यादा नहीं है, 306 किलोमीटर है, 306। तो आइए दोस्तों जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। ये गोदावरी रिवर है, दक्षिण भारत में इसका काफ़ी मान्यता है। जैसे गोदावरी और अभी जिस गोदावरी नदी के ब्रिज के ऊपर मैं जा रहा हूँ, इसी गोदावरी नदी के उद्गम स्थल जहाँ पे है अंजनेरी में, मैं वहीं से आया था, मतलब वहीं का वीडियो भी बनाया है, वहीं पे मैं गया था जो कि महाराष्ट्र में है, वो
पूरा जहाँ से शुरुआत हुआ है इस नदी का वहीं का वीडियो बनाया है मैंने, जो गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी को लाया था धरती पर। पहुँचेंगे रे वाह 288 किलोमीटर और है 288 किलोमीटर नागपुर। अभी मैं एक शहर पहुँचा हूँ जिस शहर का नाम है निर्मल, वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, तो आइए घूम के जाते हैं निर्मल सिटी। निर्मल सिटी ऑफ तेलंगाना। निर्मल सिटी में चाय पीते हुए कुछ दोस्त मिले, दोस्तों के उनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट ब्रो, ऑल द बेस्ट। मुश्किल से रात के टाइम पे ये कैंटीन मिला यहाँ पे, अभी खाना वाना खा के अब जा रहे हैं। बाय बाय। ये एक मंदिर है और यहाँ पे मैं आज टेंट लगा के सोया। यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैलेंज या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस में आने वाले कल।